अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सिज़लर मलाई नवाबी बोटी कबाब। ये एक बहुत बेहतरीन सिज़लर स्टार्टर है जो कि आप मुगलाई स्टाइल में बना के सिज़लर प्लेट पे सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत एंड टेस्टी लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डिटेल रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम मैरिनेशन के लिए ले लेंगे 3 टेबल स्पूनस ऑफ हंकर, 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 ग्रीन चिली क्रश्ड, 1/2 टी स्पून सॉल्ट, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर एंड 1/2 टी स्पून चाट मसाला, 2 टेबल स्पून ऑयल, अ पिंच ऑफ ऑरेंज कलर, 4 टेबल स्पूंस ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड 1/2 लेमन का जूस। इन सारी चीज़ों का हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड ये हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स ऑफ मटन लिए थे जिसको मैंने बोटीज़ में कट कर लिया था। उसे मैंने बॉईल कर लिया था कुकर में ऐड करके, थोड़ा सा सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा पानी ऐड करके, अनटिल एंड अनलेस वो पूरी तरीके से कुक हो जाए। तो इस स्टेज पे हम वो बॉईल किया हुआ मटन हमारे मैरिनेशन में ऐड कर लेंगे एंड इसे फर्दर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बोटी में सारा मैरिनेशन अच्छी तरीके से लग जाए। यहाँ पर एक पैन में हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल एंड हम उसमें सॉटे कर लेंगे, भून लेंगे हमारे मटन के पीसेस को अच्छी तरीके से। कुछ इस तरीके का ये लगने लगेगा। देन मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून ऑयल, बेल पेपर्स लिए हैं यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कट करके, इसे सॉटे करके हम निकाल देंगे साइड में। सेम पैन में हम सॉटे कर लेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 2 से 3 ग्रीन चिली को मैंने स्लिट कर लिया था, 1/2 टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1/2 टी स्पून पेपर ऐड कर लेंगे। देन हम इसे थोड़ी देर सॉटे हो जाने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 3/4 कप ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम एंड 2 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज। अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए हम कुक कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी एंड इसे थोड़ा सा सॉसी होने तक के कुक कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे हमारे फ्राई किए हुए मटन के बोटीज, सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स एंड अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे खूब सारा चीज़। यहाँ पे मैंने सिज़लर प्लेट गरम होने रख दी थी, उस पर मैंने प्लेस कर लिया था अनियन। ये सारा जो हमारा बोटी मसाला था वो ऐड कर लेंगे, खूब सारी चीज़ ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून बटर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे एंड लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टी स्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर। गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे धनिया का स्प्लैश देके एंड रेडी हो गया था हमारा ज़बरदस्त सा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा सिज़लर मलाई नवाबी बोटी कबाब। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।